नेटफ्लिक्स को पिछली कुछ तिमाही में जोरदार नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में यूजर्स कम हो गए हैं। करीब 100 दिनों में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कम हुए हैं। नेटफ्लिक्स के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। 31 मार्च 2022 को खत्म हुई तिमाही के मुताबिक नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर की संख्या घटकर 221.6 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले साल की पहली तिमाही के मुताबिक थोड़ा कम है। नेटफ्लिक्स का दावा है कि सब्सक्राइबर घटने की वजह रूस और यूक्रेन युद्ध है। नेटफ्लिक्स ने रूस से अपनी सर्विस को बंद कर दिया है। साथ ही यूक्रेन में भी नेटफ्लिक्स सर्विस युद्ध की वजह से प्रभावित चल रही है। ऐसे में कंपनी का दावा है कि युद्ध की वजह उसके सब्सक्राइबर की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। सिलिकॉन वैली टेक फर्म नेटफ्लिक्स का इस साल की पहली तिमाही में कुल कमाई 1.6 बिलियन डॉलर रही है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही की कुल कमाई 1.7 बिलियन डॉलर रही थी। नेटफ्लिक्स के 2 लाख सब्सक्राइबर घटने के बाद कंपनी के शेयर में 25% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का कहना है कि कोविड की वजह से लोग ज्यादा संख्या में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिसकी वजह से साल 2020 में कंपनी की ग्रोथ रेट काफी तेज रही थी। नेटफ्लिक्स का मानना है कि सब्सक्राइबर अपने घर में नहीं रहने वाले लोगों के साथ अपने अकाउंट शेयर करते हैं, जिससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी ने बताया कि करीब 222 मिलियन परिवार नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि नेटफ्लिक्स अकाउंट की संख्या 100 मिलियन है। सस्ते इंटरनेट डेटा और स्मार्ट टीवी पर नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेलीविजन स्ट्रीमिंग सर्विस का भुगतान नहीं कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने पिछले साल अकाउंट शेयर करने वाले लोगों से पैसे कमाने के तरीके की टेस्टिंग शुरू की है। ऐसे में नेटफ्लिक्स की तरफ से जल्द एक बेहद सस्ता प्लान पेश किया जाएगा, जिसके लिए नेटफ्लिक्स में ऐप सपोर्ट दिया जा सकता है। मतलब जल्द नेटफ्लिक्स में सस्ते रिचार्ज में ऐड दिखाए जाएंगे।